हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत करते हैं आप सबों का। और कैलेंडर की क्लास के बाद आज हम सब अपने लेशन नंबर 2 पर मुखातिब हैं। आज हम सब लेशन नंबर 2 की बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं कि पहले चैप्टर कैलेंडर को आप सबों ने बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा और आज दूसरे चैप्टर पर भी आपका कमांड हासिल करवाएंगे छात्रगण। आज की जो टॉपिक हम सब शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब से एसएससी और रेलवे, इन दोनों परीक्षाओं में बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह के तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम सब चल रहे हैं अपने लेशन नंबर 2 पर और सब्जेक्ट का टॉपिक है, चैप्टर हेडिंग है मिरर इमेज। मिरर इमेज जिसे कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। छात्र, पूरी मिरर इमेज की कहानी क्या है और ये कैसे और ये चलता कैसे है? बेसिकली पूरे दर्पण प्रतिबिंब की जो कहानी है छात्रगण, वो कहता है कि किसी वस्तु को यदि दर्पण में हम देखें तो वह कैसा नजर आएगा। किसी वस्तु को यदि दर्पण में देखें तो वो कैसा नजर आएगा। बेसिकली दो प्रकार के क्वेश्चन सेटअप होते हैं परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में तो और रेलवे की परीक्षाओं में तो एकदम एक क्वेश्चन आप अपने पॉकेट के अंदर डाल लीजिए। जैसे ही ये चैप्टर खत्म करेंगे, एक क्वेश्चन आपका आपके पॉकेट के अंदर होगा। तो कहानियां क्या है छात्रगण इसकी? कहानी ये है कि जब किसी वस्तु को दर्पण में देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। इस छोटे से कंसेप्ट को हम सब दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ए इमेज इन ए मिरर, दैट इज दर्पण प्रतिबिंब। कई बातें हम सब इसमें सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपको सुंदर सा इसमें नोट्स लिखा देंगे। टॉपिक की बारीकी नोट्स आप लिख करके रख लेंगे तो सो दैट कि इसकी पूरी जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से आत्मसात हो जाएगा। छात्रगण ध्यान देंगे, पूरे दर्पण प्रतिबिंब पर हम 2 से 3 टाइपों की चर्चाएं करेंगे इसमें। पहले टाइप में हम सब लेटर्स का, नंबर का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए सीखेंगे, जबकि इसके दूसरे पड़ाव पर जब हम सब चलेंगे तो दूसरे पड़ाव में मिरर में हम सब घड़ी को देखेंगे कि घड़ी में मिरर जो है, या मिरर में घड़ी और बाहर में घड़ी में मिरर, ये दोनों कैसे नजर आएंगे, वास्तविक और इमेज, इन दोनों स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब नजर आते हैं, इसकी भी शानदार चर्चाएँ हम सब कर लेंगे छात्रगण। आइए बातें करते हैं पूरे दर्पण प्रतिबिंब का। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल लेंगे और एक देखते हैं राम, और हम सब चाहते हैं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए पूरे परीक्षा लेवल पर, पूरे एग्जामिनेशन लेवल पर दर्पण की आकृति उकेरी हुई रहती है। एसएससी की परीक्षा में तो दर्पण की आकृति उकेरी रहती है। अगर दर्पण नहीं बना हुआ है तब हम आपको बताएंगे क्या करना है, और यदि दर्पण बना हुआ है तो क्या करना है वो ध्यान रखना है। तो दर्पण की बेसिकली किसी भी चीज़ को आप मान के चलिए कि आपको इंग्लिश के अल्फाबेटिकल या फिर अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, ये कैपिटल लेटर में दिए होंगे प्रश्न या फिर स्मॉल लेटर में दिए होंगे, दोनों में किसी भी मोड पे ये लेटर दिए हुए होंगे, तो आप उसी आधार पर आपको उसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी मोड हो, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में हो, उसी के आधार पर आपको बनना है। दर्पण का अगर चित्र दे दिया जाए, सपोज कीजिए ये दर्पण है, आपको मालूम होना चाहिए कि दर्पण का एक भाग जो होता है वो कलरफुल किया हुआ रहता है, क्योंकि अगर दोनों ओर दर्पण को अगर कलर ना किया जाए एक ओर, तो शायद दर्पण में इमेज बन पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम सब इस राम की इमेज को इस दर्पण के प्रतिबिंब पर देखने का प्रयास करेंगे और ये जान पाएंगे कि राम का इमेज आपका बन कैसे रहा है। तो दर्पण की जो पोजीशन है, चाहे तो वो वर्टिकल पोजीशन पे होगा, एक पोजीशन का नाम रखेंगे हम सब वर्टिकल पोजीशन, और एक पोजीशन का नाम देंगे हम सब हॉरिजेंटल पोजीशन। ये पोजीशन आपका हॉरिजेंटल पोजीशन कहलाएगा और ये पोजीशन आपका वर्टिकल पोजीशन कहलाएगा। दोनों पोजीशन को आत्मसात करना है, चाहे वो दर्पण यहाँ भी रखा हो सकता है, ये भी आपका हॉरिजेंटल पोजीशन होगा, या फिर दर्पण की जो स्थिति होगी वो इधर रखी जा सकती है, ये भी आपका एक हो सकता है। तो दर्पण की स्थिति कहीं भी रखा हुआ हो, इसके दो ही मोड हो सकते हैं, दो ही पोजीशन हो सकते हैं, कि या तो दर्पण आपका वर्टिकल पोजीशन पे रखा हुआ हो या फिर हॉरिजेंटल पोजीशन पे रखा हुआ हो।
तो जब दर्पण वर्टिकल पोजीशन पे हो और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो तो दोनों स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अलग अलग इमेजेस बनते हैं। इन्हीं चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे कि जब मिरर वर्टिकल पोजीशन पे होता है तब कैसा इमेज बनता है और मिरर जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है तब कैसा इमेज बनता है। इसी चीज़ की हम सब यहाँ पे बातें करेंगे छात्र। आइए तो सबसे पहले हम सब जानेंगे जब केस वन इसका ले लेते हैं, दो केस की बातें करेंगे, आपको जस्ट हम सबों ने बताया उसमें आपका हो जाएगा केस नंबर वन, केस वन। और केस वन की जो बातें कर रहे हैं वो केस वन यही होगा कि जब दर्पण वस्तु के बाएं या दाएं या वर्टिकल पोजीशन बाएं या दाएं या वर्टिकल पोजीशन रखा हो तो जब दर्पण वस्तु के बाएं या दाएं या वर्टिकल पोजीशन रखा हो, ये एक केस नंबर वन होगा। एक दूसरा केस क्रिएट कर लेंगे जो इसके नीचे होगा कि हॉरिजॉन्टल मिरर रखा हुआ रहेगा तब कैसा मेरा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है छात्रगण, कि एग्जांपल के बेस पे आपको सीधे सीधे इसको क्लियर करा देना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब दर्पण वस्तु के बाएं या दाएं या वर्टिकल पोजिशन पर रखा हो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, सपोज कीजिए राम को मुझे देखना है, दर्पण वर्टिकल पोजीशन पर है, आप देख पा रहे होंगे दर्पण वर्टिकल पोजीशन पर है। दो ही स्थिति क्रिएट होगी वर्टिकल पोजीशन पर, या तो दर्पण आपका इस ओर रखा हो मींस आपके राइट ओर, या तो दर्पण इस ओर रखा हो यानी कि आपके लेफ्ट ओर में रखा हुआ हो। ऐसी स्थितियों में दर्पण का कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कौन से इमेज बन करके आएंगे। दो बातें आपको सबसे पहले इसमें ख्याल रखना चाहिए और उसे आत्मसात करना चाहिए छात्रगण, और वो बातें यह होनी चाहिए कि दर्पण में जो वस्तु दर्पण के सबसे करीब होता है, जो वस्तु दर्पण के सबसे करीब होता है उसकी इमेज सबसे पहले बनती है। आप यू कैन सी दर्पण के सबसे पहले है आपका M, उसके बाद A, उसके बाद है R। अतः दर्पण में सबसे पहले प्रतिबिंब, सबसे पहला इमेज M का बनेगा, फिर A का बनेगा और फिर किसका बनेगा, R का। तो इस बात को बिल्कुल आत्मसात करके आपको रखना चाहिए कि दर्पण में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके इमेजेस सबसे पहले तभी बनेंगे जो वस्तु दर्पण के सबसे करीब होगा। तो कंसेप्ट नंबर वन हमारा निकल करके आया इन द केस ऑफ ए वर्टिकल पोजिशन कंसेप्ट नंबर वन। पहली कंसेप्ट, जब दर्पण वर्टिकल पोजिशन पर रखा हुआ है तो कंसेप्ट नंबर वन, जो वस्तु दर्पण के सबसे करीब होता है, सबसे करीब होता है जो वस्तु दर्पण के सबसे करीब होता है उसका प्रतिबिंब सबसे पहले बनता है, उसका प्रतिबिंब सबसे पहले बनता है जो वस्तु दर्पण के सबसे करीब होता है उसका प्रतिबिंब सबसे पहले बनता है। ये कंसेप्ट नंबर वन हो जाएगा। कैसे बनता है वो अभी छोड़ दीजिए, पहले एकदम कंसेप्ट लीजिए कि जो वस्तु दर्पण के सबसे करीब होगा उसकी इमेज सबसे पहले बनेगी। यहां पर दर्पण के सबसे करीब कौन है, एम, तो सबसे पहले एम की बनेगी इमेज। सेकेंड केस में आप देख पा रहे होंगे छात्रगण, सेकेंड इसका केस कहता है कि जो वस्तु दर्पण के सबसे करीब है उसका इमेज सबसे पहले बनेगा। सेकेंड केस कहता है कि बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर चली जाती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर चली जाती है। बस सिंपल सा कंसेप्ट एकदम याद रखिएगा, इन द केस ऑफ ए वर्टिकल पोजीशन, इन द केस ऑफ ए वर्टिकल मिरर, लेफ्ट साइड का बॉडी राइट साइड की ओर मूव कर जाता है और राइट साइड का बॉडी लेफ्ट की ओर मूव कर जाता है। इन बातों को आप आत्मसात करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो फिर वही चीज लिखेंगे कि दर्पण में वस्तु बाईं ओर से दाईं ओर चली जाती है तथा
दाईं ओर से, दाईं ओर की वस्तु, दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर चली आती है, बाईं ओर चली आती है। दर्पण में वस्तु बाईं ओर से दाईं ओर चली जाती है तथा दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर चली जाती है। मींस लेफ्ट वाला बॉडी राइट साइड में और राइट वाला बॉडी लेफ्ट साइड में चला जाएगा। सिर्फ इन दो कंसेप्ट के सहारे हम सब बहुत ही आसान तरीके से राम का दर्पण प्रतिबिंब, राम का मिरर इमेज बहुत आसानी से बना पाने में कामयाब हो जाएंगे। छात्रगण आप देखिए, आइए बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा, ये कंसेप्ट हमारे तभी यूजेबल हैं, तभी ये यूज किए जा सकते हैं जब मिरर मेरा वर्टिकल पोजीशन पर हो। इस चीज को आप याद रखेंगे। आप देख लीजिए, इस राम में सबसे करीब में दर्पण के जो सबसे करीब है वो है एम। तो सबसे पहले जो इमेज बनेगा वो किसकी बनेगी? एम का। तो यहां पर हम सब लिख देंगे एम। चूंकि ये कह रहा है कि दर्पण में वस्तु बाईं ओर से दाईं ओर चली जाती है, तो इन दोनों को जब मूवमेंट करेंगे तो आप देखिएगा एम एम जैसा ही दिखेगा। बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर चली जाएगी। अभी मैं पूरा अल्फाबेट आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, तो आप देखेंगे कि ये वस्तु उसी प्रकार से बन जाएगी। ए आपका यही बन जाएगा, लाइक दिस वन, ए बन गया। और आर जो होगा आपका ये दाईं ओर की वस्तु, देखिए ये राइट साइड में था तो राइट साइड मुड़कर किधर हो गया? लेफ्ट साइड में हो गया। तो ये हो गया, अगर दर्पण का ये पोजीशन होगा तो वास्तविक इमेज देख लीजिए, वास्तविक राम ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको मिरर में देखेंगे तो आप देखते हैं कि वस्तु अपनी जगह पर क्या हो गया, यहां पर इसी जगह पर वो उल्टा हुआ प्रतीत होता है, पलटा हुआ नजर आ रहा है। इस दर्पण पे देखते हैं ये इमेज कैसा बनेगा। आप देखिए यहां पर दर्पण के सबसे करीब कौन है? आर। तो आर की पोजीशन इस प्रकार की हो जाएगी, इधर राइट था इधर लेफ्ट में आ जाएगा। ए आपका ऐसे बन जाएगा और एम यहां पर ये कौन रहेगा। एम की इमेज ज्यों की त्यों बनेगी, एम की इमेज ज्यों की त्यों क्यों बनेगी? क्योंकि लेफ्ट राइट होने पर भी वो उसकी आकृति एज इट इज इसी प्रकार की नजर आएगी। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल टू कंसेप्ट यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। जो वस्तु दर्पण के दो ही कंसेप्ट है छात्रगण, दोनों कंसेप्ट को कॉपी पेन पे लिख लेंगे अच्छी तरह से। जो वस्तु दर्पण के सबसे करीब होता है उसका प्रतिबिंब सबसे पहले बनता है। दर्पण में वस्तु जो बाईं ओर है वो दाईं ओर चली जाती है और जो दाईं ओर है वो बाईं ओर चली जाती है। इन दोनों कंसेप्टों को याद करके बहुत ही अच्छी तरीके से दर्पण प्रतिबिंब पे हम कमांड कर सकते हैं छात्रगण। लेकिन बावजूद आइए मैं अल्फाबेट्स को पूरी तरह से लिख देता हूं और लिखने के बाद जो है हम सब इसके पूरे मिरर इमेज के भी देख लेंगे कि प्रत्येक लेटर की मिरर इमेज बनती कैसे है। छात्रगण ये दर्पण प्रतिबिंब है और कुछ लेटर्स हैं, अल्फाबेट लेटर हैं जो जनरली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ए से लेकर के पूरे जेड तक मैंने अल्फाबेट के पूरे लेटर लिख दिए हैं और इसकी मिरर इमेज आपको क्रिएट करनी है। आप प्लीज बोर्ड में ना देखें, आप खुद से बनाएं तो ए से जेड के कैसे कैसे बनेंगे, अपना खुद प्रैक्टिस होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बोर्ड में तो लास्ट में आप देख ही लेंगे, मैं हट जाऊंगा यहां से, स्क्रीन से हट जाऊंगा, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। बट कोशिश करेंगे कि आप अपनी ओर से बनाएंगे बिल्कुल सिंपल अपना, और वो क्या है, जस्ट बाईं ओर की आकृति दाईं ओर चली जाएगी और दाईं ओर की आकृति बाईं ओर चली जाएगी। केस होगा वर्टिकल मिरर का। आइए देखिए, ए है, अब देखिए ये है राइट का डंडा, ये है लेफ्ट का डंडा। दोनों डंडा को अगर हम पलटेंगे तो इमेज तो हमको ऐसा ही आएगा। फिर इसकी बातें करते हैं तो ये बी बनाता है ऐसे, ये इधर से हो जाएगा। सी ये है तो सी ऐसे हो जाएगा। इधर ये इसका मुंह किधर है? दाईं ओर। ये किधर हो जा रहा है? बाईं ओर। फिर ये दायां तो ये बायां, ये इधर तो ये इधर। आप देख सकते हैं जी के केस में ये इस प्रकार से है तो ये ऐसे होकर के ये हो जाएगा। मतलब जो दाईं ओर है वो बाईं ओर चली आ रही है। एच अपना ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि बायां दायां चेंज होने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई बिल्कुल उसी प्रकार से हो जाएगा। जे का देख लीजिए, जे चूंकि यहां से लाइन में कोई, ये इधर इधर लेफ्ट की ओर है तो ये राइट की ओर हो जाएगा। के इस प्रकार है, के इधर से हो जाएगा। एल ये है, एल इधर हो जाएगा। एम तो ज्यों का त्यों रहेगा। एन एक बहुत ही वाइटल है जिसको आप देख सकते हैं, एन बहुत ही वाइटल है। एन में क्या है कि ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन तो सेम हो गया, लेकिन जो इसके बीच में जो क्रॉस कर रहा है, दोनों एन को जो डंडा क्रॉस कर रहा है, वो एक डंडा उठ करके इधर चला जाएगा और एक उठ करके इधर आ जाएगा। कंसेप्ट वही, बाई ओर की आकृति दाई ओर और दाई ओर की आकृति, तो आपको एन इस प्रकार से प्राप्त होगा। ओ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, पी बिल्कुल उसी प्रकार के हो जाएंगे। क्यू के केस में देख लीजिए, क्यू इधर से है तो क्यू यहाँ हो जाएगा। आर के केस में ये इधर हो जाएगा। एस आप देख सकते हैं, एस में भी आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यहाँ से मुझे दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं, एस उधर से मुंह किए हुए, इसको इधर से मुंह कर देना है, सिंपल। टी ज्यों का त्यों रहेगा, यू ज्यों का त्यों रहेगा, वी ज्यों का त्यों रहेगा, डब्ल्यू ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स ज्यों का त्यों रहेगा,
वाई भी ज्यों के त्यों रहेगा, लेकिन जेड के केस में चेंज होगा। जेड के केस में क्या होगा, ये दोनों लाइन तो दोनों यहां सेम होगा, अब यहां पर ये लाइन ऐसे है, यहां पे ये लाइन है, तो ये लाइन उठ करके यहां जाएगा और ये लाइन उठ के यहां जाएगा, तो आकृति आपको इस प्रकार प्राप्त होगी। तो अल्फाबेटिकल पोजिशन पर हम सब ए से जेड तक की जो इमेजेस प्राप्त करते हैं छात्रगण, वो इस बहुत ही आसानी तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। और उसके बाद हम सब कैपिटल लेटर के अल्फाबेट के पोजीशन देख लिए, अब आइए जल्द से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल लेटर के मिरर इमेज हम सब देख पाएंगे, और सो दैट कि दोनों लेटर का जब आपको मिरर इमेज पे कमांड हो जाएगा, आपका हैंडी हो जाएगा कि हाँ लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कैसे होता है, तो चैप्टर बहुत बहुत आपका क्या होगा, आसान हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी द स्मॉल लेटर, कि स्मॉल लेटर को हम सब अब कैसे देख करके पाएंगे। छात्र स्मॉल लेटर के केस में देखते हैं, तो स्मॉल लेटर भी आपको बोर्ड पे लिखा जा चुका है, हमारी एक्सपर्ट टीम ने पूरे बोर्ड पे जल्दी जल्दी हम सबों ने लिख लिया है। और अब देख लीजिए कि लेटर का ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर जेड तक लिखा हुआ है। छात्रगण ध्यान देंगे कि मिरर इमेज में कर्सिव राइटिंग नहीं चलता, ये बिल्कुल वही राइटिंग चलते हैं जो व्हाट्सएप पे आप टाइप करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या फिर कंप्यूटर टाइपिंग या टाइपराइटिंग टाइपिंग के जो लेटर उकेरे जाते हैं, वही सेम टू सेम लेटर जो है छात्रगण यहाँ पे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कर्सिव लेटर का मिरर इमेज कैसा बनेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, आप देख पा रहे हैं कि ए, देखिए आप ए को देख पाएंगे, एक यहाँ पे गोल आकृति है, ये गोल आकृति बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, गोल की आकृति गोल ही रह जाएगी, ये इधर जाएगा और इसको फिर इधर कर देंगे, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर हो जाएगा, ये इस प्रकार से ओढ़ा हुआ है, इसको इस प्रकार से ओढ़ देंगे, दाईं ओर की आकृति बाईं ओर चली गई, दाईं ओर की आकृति बाईं ओर चली गई, तो बाईं ओर की आकृति दाईं ओर और दाईं ओर की आकृति बाईं ओर, इतना तो करना है। बी इस प्रकार था, बी डी बन जाएगा, सी मूव कर जाएगी इधर, डी इस प्रकार मूव करेगा, ये इस प्रकार से मूव करेगा, एफ को आप देख लीजिए, एफ अपना इधर मुंह खोले हुए है, तो जब ये लेफ्ट की ओर मुड़ेगा, ये दाईं ओर है, तो ये बाईं ओर मुड़ेगा, तो ऐसा इमेज प्राप्त होगा। जी बिल्कुल ऐसे नजर आएंगे, एच इस प्रकार से नजर आएगा, आई जे के एल एम अच्छी तरह से आप देख लें, एम में कुछ नहीं, आप देखेंगे कि एम में हल्का सा एक लाइन यहाँ पे निकला हुआ रहता है, इस एम को पलट करके इधर हल्का सा उठा देंगे। एन के केस में भी वही होगा, वो यही होगा, पी बन जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी पी बन गया आपका, देख लीजिए किस प्रकार से, क्यू आपका पी बन जाएगा। आर के केस में आप देखिए, आर हम लोग कई तरीके से लिखते हैं, एक ये भी आर चलता है, लेकिन ये आर हम सब बेसिकली टाइपिंग के मोड पर नहीं आ पाता है, इसलिए इस आर की चर्चाएं हम सब ना करके ये आर की चर्चा करेंगे। इस आर की चर्चा में क्या है, ये बिल्कुल वाई जैसा है, देख लीजिए यहाँ पे ये ऐसे निकला हुआ है, तो हम लोग इसको, ये इधर था तो ये वाला उठा के इधर कर दिए, और ये जो छोटा सा लाइन था इसको एज इट इज यहीं पे रहने दिए, तो ये बन गया क्या आपका आर। एस आप देख लीजिए किस प्रकार चेंज हुआ है, टी की चेंजिंग आपको नजर आ रही होगी, यू की चेंजिंग आपको नजर आ रही होगी, भी की चेंजिंग नजर आ रही होगी, डब्ल्यू की चेंजिंग नजर आ रही है, एक्स आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से है, वाई आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से है, जेड को आप देख रहे हैं किस प्रकार से है। जेड में अपना सिंपल वही जैसे कैपिटल लेटर पे हम लोगों ने जेड प्रैक्टिस किया है, स्मॉल लेटर के भी जेड उसी प्रकार से हो जाएंगे। बस देखिए कुछ काम आपको खुद कर लेना है, बाईं ओर की आकृति दाईं ओर की आकृति बाईं ओर की आकृति दाईं ओर की आकृति बाईं ओर, ये सिंपल सा कंसेप्ट रख के आप किसी को भी पलट सकते हैं। लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स, नंबर पे ये कैसे काम करेगा, अब नंबर पे देख लीजिए, नंबर पे हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वन आपका वन इसी प्रकार से होगा, तो वन देख लीजिए, ये बेस लाइन सेम का सेम रह गया, डंटा सेम टू सेम, ये इधर गया है तो ये इधर आ जाएगा, ये टू इस प्रकार से देखिए लेफ्ट की ओर मुंह खोले हुए, ये राइट की ओर बेचारा चला गया है, ये थ्री लेफ्ट की ओर मुंह खोले हुए, ये राइट की ओर आ गया है, ये लेफ्ट की ओर है, ये राइट की ओर आ गया है, ये फाइव को आप गौर से करिए। और दूसरी बात, यदि कोई लेटर या कोई नंबर आपको थोड़ा पेचीदा लगे तो उसे तोड़ तोड़ करके आप मिरर इमेज बनाइए। फाइव के केस में देख लीजिए कि एक यहाँ पे डंटा चला गया था और यहाँ एक लाइन था, तो यहाँ भी एक डंटा हो गया और यहाँ एक लाइन हो गया, तो ये लाइन हो गया, ये इस प्रकार से दिखा रहा था, ये इधर हो गया, तो फाइव बन गया ट। सिक्स को आप देख पा रहे हैं, सिक्स इस प्रकार से हो गया, सेवन आप देख पा रहे हैं, सेवन ऐसे हो गया, एट तो ज्यों का त्यों रहेगा, नाइन जो है आपका पलट जाएगा। तो इस प्रकार से तमाम लेटर्स और तमाम नंबर की प्रस्तुतिकरण छात्रगण दर्पण प्रतिबिंब पे जब वो वर्टिकल मिरर पे होगा तो ये कैसे नजर आएगा, ये आपको बखूबी समझाने का प्रयास किया गया है छात्रगण। उम्मीद करते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब के वर्टिकल पोजीशन पर आप सब अपने आप को बेहद बेहद अकस्टम फील कर रहे होंगे, बहुत बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि सर कोई भी आप प्रश्न दीजिए हम सब इसको बहुत अच्छी तरह से बना लेने का प्रयास करेंगे। आप देखते होंगे छात्रगण कि जब हम सब एम्बुलेंस की बात करते हैं
हम रास्ते पे जा रहे होते हैं, एम्बुलेंस गुजर रहा होता है, एम्बुलेंस में आप देखेंगे क्या कि एम्बुलेंस जो वर्ड लिखा हुआ है AMBULANCE, ये एम्बुलेंस वर्ड एक्चुअली में सीधा नहीं लिखा हुआ रहता है। कारण क्या है कि मिरर में जब आपको वो वर्ड दिखे तो वो उसको जस्ट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिखता है, और जैसे ही आपको मिरर में वो लिखे तो आपको एग्जैक्टली एम्बुलेंस नजर आ जाए और आप अपना रास्ता दे दे, पास दे दे, ताकि वो एम्बुलेंस गाड़ी जो है वो निकल जाए। तो दर्पण इमेज के कितने इंपॉर्टेंट मायने रख जाते हैं ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए इस बताए गए चैप्टर पे वर्टिकल मिरर पर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रगण, इसकी चर्चाएं हम सब फटाक से यहाँ पे कर ले। तो छात्रगण यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है एम्बुलेंस का दर्पण प्रतिबिंब होगा। ओके, अब यहां पे सिर्फ कह रहा है कि एम्बुलेंस का दर्पण प्रतिबिंब होगा। दर्पण प्रतिबिंब के केस में आपको एक बात और याद रखना है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सर मिरर के दो पोजीशन होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। प्रश्न में तो नहीं क्लियर किया हुआ है कि प्रश्न हॉरिजेंटल का है कि वर्टिकल का है। यदि प्रश्न में वर्टिकल इमेज और हॉरिजेंटल इमेज का फिगर नहीं बना हुआ है तो ऐसी स्थितियों में छात्रगण हम सब क्या करेंगे कि पूरी तरह से हम समझेंगे कि जो प्रश्न है वो वर्टिकल इमेज का है, वो वर्टिकल मिरर का है। ये एकदम से याद रखना है छात्रगण, बहुत बारीकी कंसेप्ट है कि इफ द क्वेश्चन डू नॉट कंटेन द मैजिक ऑफ द मिरर, कि दर्पण का प्रतिबिंब कैसा है, दर्पण का पोजीशन नहीं दिया हुआ है या दर्पण का चित्र नहीं बना हुआ है, तो आपको हमेशा ये समझना है कि दर्पण वर्टिकल पोजीशन पर रखा हुआ है। तो सिंपल एम्बुलेंस था मींस हम समझ गए प्रश्न में आपका इसका फिगर बना हुआ नहीं था, तो एम्बुलेंस के केस में आपका मिरर इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है ना। सीधा ऑप्शन देख करके भी आप पकड़ लेंगे छात्रगण, अगर इस ओर मिरर रखा हुआ होगा तो सबसे पहले ए की इमेज बनेगी, और इधर मिरर रखा हुआ होगा तो सबसे पहले ई की रखी होगी। जनरली इन द केस ऑफ आप ऑप्शन देख करके इजिली इसको पकड़ लीजिएगा। तो बताइए एम्बुलेंस का मिरर इमेज कैसे बनेगा, ट्राई कीजिए, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले एकदम दिमाग क्या लगाना है कि एम्बुलेंस में सबसे पहले किसकी इमेज बनेगी। तो आपने जस्ट पढ़ा है कि सर जो दर्पण के सबसे करीब होता है, तो दर्पण के सबसे करीब कौन है ई, तो सबसे पहले इमेज किसकी बनेगी, ई की बनेगी, और सबसे लास्ट में इमेज किसकी बनेगी, ए की बनेगी। तो ई की इमेज बन गई, सी की इमेज बन गई, एन की इमेज बन गई, ए की इमेज बन गई, एल की इमेज बन गई, यू की इमेज बन गई, बी की इमेज बन गई, एम की इमेज बन गई, ए की इमेज बन गई। सो दिस ऑल आर द सिनेरियो माय डियर फ्रेंड्स एम्बुलेंस, और ये एम्बुलेंस इस प्रकार से जब दर्पण में देखेंगे तो एम्बुलेंस इस प्रकार से नजर आएगा। और भी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट एकदम, एम्बुलेंस को देख लिए, नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं, कुछ भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है अवर ऑफ 1857, अवर ऑफ 1857, ठीक है। मिरर बना हुआ है, नहीं भी बना हुआ तो आपको पहले बताया गया है कि वर्टिकल पोजिशन इसका देखना है। सबसे पहले इमेज किसकी बनेगी, सेवन की, सेवन कैसे हो जाएगा, फाइव क्या बन जाएगा, फाइव हिंदी का ट बन जाएगा, ये लाइन ऐसे करके ये हो जाएगा, उसके बाद एट एट जैसा ही लिखेगा, वन की पोजीशन बिल्कुल वन होगी, ये इधर मूव कर जाएगा, एफ है, एफ ऐसे होंगे, ओ ऐसे हो जाएगा, और सबसे पहले आप वहाँ कौन बनेगा, पहले बनेगा आर का फिर बनेगा आपका ए का, ओके, उसके बाद बनेगा आपका डब्ल्यू का, और फिर बन जाएगा आपका ए ही रहेगा। तो यू कैन सी डियर फ्रेंड्स कि किस प्रकार से बाईं ओर की आकृति दाईं ओर चली गई और दाईं ओर की आकृति बाईं ओर चली गई। तो हम सब समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आप इन दो एग्जांपल के सहारे पूरे दर्पण प्रतिबिंब के वर्टिकल इमेज का निर्माण करना सीख गए होंगे छात्रगण। और जब हमारी कल की क्लास में मुलाकात होगी तो हम सब मिरर इमेज के अगले राउंड पे चलेंगे, जहां पे मिरर को किसी वस्तु के नीचे या ऊपर रखेंगे, मीन्स इसके हॉरिजेंटल पोजिशन की बातें करेंगे। तो इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब को हल करने के लिए सिर्फ आपको दो ही कंसेप्ट अपने माइंड में रखने हैं कि मिरर में यदि वो वर्टिकल पोजीशन पर है और यदि मिरर का इमेज नहीं दिखाया गया है कि मिरर का चित्र किधर रखा हुआ है, एक ही बात दिमाग में रखना है कि बाईं ओर की आकृति दाईं ओर चली जाती है और दाईं ओर की आकृति बाईं ओर चली जाती है। साथ ही साथ जो वस्तु दर्पण के सबसे करीब होता है उसकी इमेज सबसे पहले बनती है छात्रगण। इन छोटे से कंसेप्ट के माध्यम से छात्रगण मिरर इमेज के प्रश्न बहुत बहुत आसानी से हल किए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मिरर इमेज के एक भी प्रश्न परीक्षाओं में गलती नहीं करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। खुदा हाफिज, सब बखैर, बाय बाय।